ये पोपटलाल छाता लेके आया है और अभी हम लोग अलविदा बोलने का टाइम आया, बाद में मिलेंगे। भाई शेर ना आ जाए बस उसका डरना। वो देखो हिरन, देखो देख रहा है मेरे को, देख लो हिरन। इतना देर भीगने के बाद जाके हिरन दिखे हैं, लेकिन तीन चार दिखे हैं और इसी पे शेर भी हैं, किसी ने कहा था, और चीता भी है। ये देखो, देख रहा है कैसे आए। गाइस आए थे मोगली बनने, मोगला हो गया हम दोनों का। अब यहाँ से निकलना बहुत जल्द है, पूरा भीग गए एकदम, कुछ भी नहीं बचा है अब। हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, और आज ये और मैं हम जा रहे हैं मुंबई, और अभी टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, 1:33 हो रहा है अभी, और हम बाई वॉक जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट है, और एक भाई मिल गए थे तो मैं अपनी गाड़ी जो है घर पे खड़ी करके आया हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि पुलिस का बहुत ज़्यादा मैटर होता है रात को, तो एक ड्रॉप मांगे पुलिस ने पकड़ा, पर थोड़ी बहुत बातचीत में छूट गए, और अब जा रहे हैं मुंबई की तरफ। तो ये भाई है, इनका नाम है गुड्डू, और हम दोनों अभी तो यहाँ हैं तो सेफ महसूस हो रहा है। कल मुंबई में हमारे साथ क्या होगा, कैसा सीन होगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, कुछ डिसाइडेड नहीं है। अभी हम ट्रेन पकड़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है मुंबई में, क्योंकि संडे को मैंने देखा है मुंबई में बहुत सारे, मतलब बीच के बाजू में बहुत सारे इवेंट वगैरह होते हैं, कुछ लोग लाइव परफॉर्म करते हैं, तो सब अगर हो सकेगा तो सब देखेंगे, नहीं तो जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे, पर सब आपको देखने मिलेगा इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं फिर आगे स्टेशन पर। जो हमारी ट्रेन थी 1 बजे वो मिस हो गई, 1:30 की थी वो भी मिस हो गई, क्योंकि ये इंडिया है तो 1:30 पे तो आ ही नहीं सकती, 1:50 पे आई, हमारे सामने से गई, तो हमने 2:11 की टिकट ली है, और वो आई होप कि लेट ही आएगी, और ये उसकी टिकट है। तो बस अभी हम निकलने के लिए फुल एक्साइटेड हैं, और ट्रेन आएगी तो फिर अंदर अगर दिखाने लायक रहा तो दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा मुंबई। मिलते हैं गाइस। 2:05 हो गया, ट्रेन का दूर दूर तक पता ही नहीं है, मेरे को पता है इंडिया में ट्रेन लेट हो ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग वापिस से सब साथ में मिले अभी, और ये सब अपने भाई लोग हैं, ये सब जा रहे हैं मरीन ड्राइव, और अभी लोग दोनों किधर जाने वाले, मुंबई सेंटर के, ये सब अभी मतलब अभी डिवाइड हो जाएंगे यहाँ से थोड़ी दूर में, क्योंकि मैं यहाँ उतर रहा हूँ, मुझे नेशनल पार्क जाना है, फिर वहाँ से हम मिलने वाले हैं मरीन ड्राइव के लिए। ये मेरे को कॉल करने वाला है, इसका नाम है दिनेश, और वो अक्सर उधर घूम रहा है, एक नंबर का अय्याज आदमी है, दिख जाए तो पहचान लेना। और वो अपना पार्टनर उधर बैठा है, तो अभी हम लोग मिलेंगे, ये कॉल करने वाला है, फिर आगे मरीन ड्राइव पे क्या सीन है, क्या मचाने वाले हैं। और एक इधर सो रहे हैं, ये इनका मेन लीडर, नंबरकारी है क्या बोली, और ये जो है ना, ये हमारा छोटा क्रिमिनल है, पहचानो, दिखे तो कभी केस मत करना रे भाई, शरीफ आदमी है ये, तो बस दोस्ती में क्रिमिनल है। चलो गाइस सुबह मिलते हैं, फिर मिलते गाइस, अभी तो मैं मरीन ड्राइव उधर, मरीन ड्राइव बोलो, अभी तो ये नेशनल पार्क घूम लेते, फिर मिलते हैं मरीन ड्राइव पे, क्या बोलते गाइस, बाय। ये पोपटलाल छाता लेके आया है, और अभी हम लोग अलविदा बोलने का टाइम आया, बाद में मिलेंगे। चलो एक सेल्फी ले लेंगे भाई। अरे तो सेल्फी तो ले रहे हैं भाई, जाने का टाइम आ गया। तो भाई बोरीवली आ गए हम लोग, और ये सबको अलविदा बोलने का टाइम आ गया, अभी CST पे मिलेंगे सीधा, मरीन पे नहीं, हम लोग CST में मिलने वाले हैं, ये रात को मिलेगा, ये मिलेगा रात को, शाम को मरीन पे चल। तो गाइस बोरीवली पहुंच गए हैं, और वो भाई लोग को अलविदा भी बोल दिए, और हम दोनों अभी बोरीवली में हैं, नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं, 7 बजे खुलता है, और अभी टाइम हो रहा है 5:22, और हम लोग निकले थे रात को 12 बजे के टाइम पे, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, बताया मैंने आपको आगे, और उसके बाद भी लेट हुई, बहुत लेट हुई, तो अभी हम लोग पहुँच गए इधर, और बस अभी चाय नाश्ता किए, अब निकल रहे इधर से, बाई वॉक जाएंगे, बिकॉज पास में ही है, क्यों पैसे लगाना फोकट का, तो आपको भी दिखा देंगे रास्ते में अगर आप यहाँ पे आना चाहो। गाइस मेरा दोस्त पागल हो चुका है, क्योंकि बम्बई में हम लोग जब से आए हैं, मुंबई में हम जहाँ अभी गए थे, वो पुलिस वाले सर ने बोला कि अभी आप नहीं जा सकते घूमने वालों के लिए 8 बजे के बाद, उससे अभी दौड़ने वाले सिर्फ जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे है, और मंडे टू सैटरडे अगर आप डेली आओगे तो आपको पास बनाना पड़ेगा, 290 रुपीज़ लगता है उसका, तो लेकिन इतनी हार्ड इसके भाषा में बताऊँ, माल मतलब गर्ल इतनी सारी
मेरे को छोड़ो, अभी हमको चश्मा आ जाएगा, हमको चश्मा आ जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि मैं तो अपने गुजरात वापस जाना चाहता हूँ अब, क्योंकि जब मैं रात को नहीं देख पा रहा हूँ अभी इतने चमक रहे हैं लोग, तो मैं दिन में क्या देखूँगा, मैं तो रुकना ही नहीं चाहता अभी, बहुत औसम औसम है वो जोक्स द पार्ट। बट मैं आपको बिल्डिंगें सिखाता हूँ, मुंबई में आया हूँ तो मैं आपको पहले और एक बात बोलता हूँ, मैं मुंबई जब भी मैं मुंबई आता हूँ मेरे को एक ऐसी वाइब आती है यहाँ पे, बिकॉज जो मेरे को जानते हैं उनको पता है मेरा सपना मुंबई है, पर अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी सांसें मतलब थोड़ी सी अच्छी से खुल जाती है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी आपको मुंबई दिखाता हूँ अच्छे से। गाइस ये चार बिल्डिंग जो आपको लाइन से दिख रही है, इसे देखने के लिए हम 1 किलोमीटर जाए हैं और अभी हम लोग इस पे आए हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, ये हाईवे के ऊपर बनाया है क्रॉस करने के लिए, और वो जो आपको दिख रहा है वो स्टेशन है और ये मेट्रो लाइन है, और ये चारों बिल्डिंग क्या ही औसम लग रही है, और मुंबई में आए तो बिल्डिंग ही देखने मिलता है, और यही तो इसकी पहचान है मुंबई की। हमारे गुजरात में दूर दूर कहीं कहीं कभी कभार देखने मिल जाता है, पर है वहाँ भी, बेइज्जती नहीं करूँगा, पर मुंबई मुंबई है। आई लव दिस मुंबई, मेरी जान, आई लव यू गाइज। मैं आपको एक दुनिया का फैक्ट बताता हूँ, आपको पता ही होगा, देखो जिसके पास पैसे हैं वो ऐसी लाइफ जीते हैं संडे को और हर दिन, और जिसके पास पैसे नहीं है वो ऐसी लाइफ जीते हैं, और देख रहे हो जो मिल रहा है बेचारा सब रख ले रहा है, और उधर देखो, उधर उन लोगों को देखो। तो भाई ये है मुंबई शहर, और यहाँ कुछ ना कुछ रोज ना रोज होते ही रहता है, आज ये आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, लेकिन ये शहर ऐसे ही रहेगा। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा। तो गाइस निकलते हैं किधर, और ऐसा बोल तो फिर निकलते हैं किसी और लोकेशन, गाइस निकलते हैं किसी और लोकेशन पे। तो अभी मैं आ गया हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क, और ये उसकी टिकट पड़ी है हमको 170 दो लोग का, कैलकुलेट कर लो। और ये जो बस जा रही है आप इसमें भी जा सकते हो, अगर आपको पैदल नहीं घूमना है आप थक गए हो, साइकिल भी यहाँ से ले सकते हो रेंट पे, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। 5 साल पहले आया था तो असली शेर था, अभी यही वाला शेर है जो भी है, नहीं ओरिजिनल है। ये जो कन्हेरी की बोध गुफा दिख रही है यही है, यहाँ पर बस इसमें ही घुमाती है, और जो लायन है वहाँ पे घुमाती है, और अभी हम वापस पटरी पे जा रहे हैं, ये आपको दिखाने के लिए आया स्पेशल। गाइस घूम घूम के थक गए हैं, और चलते ही जा रहे, रास्ता एग्जिट आ ही नहीं रहा है, बोला था भाई ने इसी रास्ते पर है, और ये जंगल का लोग बहुत गलत फायदा उठाते हुए रास्ते में दिखे मुझे, ये एक जंगल उंगल कहाँ से लग गया रे मेरे पे। तो गाइस एकदम सच धज के आए थे, और अभी हालत आप देख सकते हो, हमारी हालत, और हम लोग जंगल में घूम घूम के एग्जिट की राह में कब से चले जा रहे हैं। अभी इधर कुछ लोग मेरे को मिले थे, उन लोग भी एग्जिट की राह में ही घूम रहे हैं, और मेरे को बोलता है भाई एग्जिट है आगे, मैं बोला इधर है, बोलता हाँ इधर भी है, तो वो उधर गया है, इधर हम जा रहे हैं, अभी हम मिलेंगे तो देखेंगे। इधर देखो हर जगह पूरा पानी पानी भर गया है सब, अरे बाप रे कांटा डाल दिया है रे। गाइस आए थे मोगली बनने, मोगला हो गया हम दोनों का, अब यहाँ से निकलना बहुत जल्द है, पूरा भीग गए एकदम, कुछ भी नहीं बचा है अब। और जो लोग हमें मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं एग्जिट है आगे, कितना आगे है पता ही नहीं चल रहा है, और जंगल में भटक गए हैं, कसम से बता रहा हूँ मैं, और कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं है, बताओ ऐसा जंगल है ये, ना नेटवर्क काम कर रहा है ना कुछ, और हम लोग कहीं कहीं पे काम करता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि करे क्या, उधर पे सर्च होता ही नहीं, बस नेटवर्क दिखता है, पब्लिक दिखी,
पब्लिक दिखी, पानी में जाएं कैसे अपने गाइस? उधर पब्लिक खड़ी है वो ब्रिज के पास, वहाँ रोड भी दिखा हमको, पर नदी है इधर, बीच में नदी पड़ी है। मैं भागता हूँ गाइस, हम लोग थोड़ा देर के लिए भागने वाले, चलो भागो थोड़े देर के लिए, नहीं भागो अब। लेकिन यहाँ पे देखो व्यू बहुत अच्छा है, भले से बारिश हो रही है, हम लोग भीग गए हैं कुछ भी हो, पर व्यू बहुत औसम व्यू है, पूरा व्यू एकदम औसम है। और कपल्स के लिए एक नंबर है ये जगह, बारिश हो कोई भी महीना हो, आओ एंजॉय करो। और अकेले मत आओ, सामने टीम देख, पब्लिक दिख रही है सामने, मतलब एग्जिट है आगे। तो गाइस हमको लग रहा है, तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि अब पहुंचने वाले हैं एग्जिट की तरफ, और जंगल में ही हमारा आधा ब्लॉग हो गया पूरा यार। और अभी हमको और भी जगह जाना बाकी है, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा कि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा होगा तो दो दो क्लिप करके डाल दूंगा मैं, मुंबई के दो ब्लॉग हो जाएंगे, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अभी निकलता हूँ, वो देख वो लोग रिंकोट लेके आए हैं, देखा तभी तो बचे पड़े, जो यहाँ पे रिंकोट लेके आए हैं वो यहाँ पे पहले भी। अक्सर बारिश में आओ तो रिंकोट या छाता लेके आओ, अपनी सेफ्टी जरूर करो, जनहित में जा रही ये सूचना है, सबसे ज्यादा जरूरी। इतना देर चलने के बाद देखो हिरन दिखे मेरे को, वो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, भागेगा अभी वो, मैं जाऊंगा तो इतना देर के बाद हिरन दिखाओ, देखो वो रहा खड़ा है भाई, शेर ना आ जाए बस उसको डरना। वो देखो हिरन, देखो देख रहा है मेरे को, देख लो हिरन, इतना देर भीगने के बाद जाके हिरन दिखे हैं, लेकिन तीन चार दिखे हैं, और इसी पे शेर भी हैं किसी ने कहा था, और चीता भी है, ये देखो देख रहा है कैसे। हाय हाय हाउ आर यू गाइस, डर भी लग रहा है क्योंकि शेर वगैरह भी हैं, पर वो देखो वहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो चलो कुछ तो फायदा हुआ इतना चलने और भीगने का, और अब आगे निकलते हैं। सुनो सुनो, शेर आ गया ना तो वो नहीं भागेंगे, हम भागेंगे और भाग भी नहीं पाएंगे, निकलना बहुत जरूरी है, एकदम पूरा गीला हो चुके हैं। वो देख वहाँ भी अंदर बहुत सारे हिरन है, देख वहाँ, देखो गाइस वहाँ भी हिरन पड़े हैं, ये देखो मोर, कौवा भी है, मुंबई में कौवा देखने मिलते हैं, गुजरात में तो अक्सर नहीं देखने मिलते हैं कौवा, और यहाँ पे हिरन देखो आप कई सारे हैं। कई सारे मात्रा में है इतने सारे हिरन, पहली बार इतने सारे हिरन एक साथ देख रहा हूँ। ये देखो किसी का घर जैसा बना के रखा है, यहाँ भी कोई तो पक्का है, लेकिन बारिश की वजह से दिख नहीं रहे हैं, जो भाई यहाँ पे आते हैं वो मतलब सच बोले थे। और शेर वगैरह जो हैं वो भाई डर लग रहा है यार इस पे चलने में, आराम से नहीं तो गिरे तो। ये देखते हो पूरा सड़ गया है, देखो यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, ओ बचा थोड़ा सा मैं, ये देखो पूरा सड़ गया, इसलिए ट्रेन बंद कर दिया आई थिंक, सब हिल रहा है पैर रखने के। देखो एक वो जो मैं आपको स्टेशन दिखाया था, वो स्टेशन से एक दूसरा स्टेशन ये रहा, तो इन दोनों की डिस्टेंस कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 4 किलोमीटर चल के आए हम लोग यहाँ तक, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को चलते हुए, 1.5 घंटा हो गया, और उसमें सिर्फ हिरन देखने मिला है, शेर वगैरह देखने भी नहीं मिले। और ये देखो इधर पोस्ट बॉस चालू, इसका नाम क्या है स्टेशन का, कृष्णागिरी नाम है स्टेशन का। और तो गाइस मैं अभी हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क इन बोरीवली, और ये ईस्ट में है, और स्टेशन से 500 मीटर दूर होगा, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप गाड़ी ना लें, पैदल ही चले आएँ, सीधा सीधा रास्ता है किसी को भी पूछ के। और ये जो आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख रहे हो ना ऊपर, इधर पे शेर हिरन और क्या बोला था उसने, शेर हिरन और चीता, हाँ तो ये तीनों यहाँ पे हैं, और लोग यहाँ पे एक ही पर्पस ज़्यादा आते हैं, साइकिलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए और जॉगिंग के लिए। अगर आप यहाँ से लोकल हो तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो 229 रुपये लगते हैं एक हफ्ता, अगर आप यहाँ डेली आओगे जॉगिंग के लिए तो आपको एक पास बन जाएगा परमानेंट, तो आप दिखा के आ सकते हो, वो पास का भी वैलिडिटी रहेगी, वो आप वहाँ पे कंफर्म कर लेना। और जो यहाँ की टिकट है अडल्ट के लिए वो है 85 रुपीज़ पर पर्सन, और जो 12 साल से कम है उनकी टिकट है 45 रुपीज़। तो
हम यहाँ पे आए थे मालसेज जाने के लिए, पर वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, हमने पता किया यहाँ पे आके, तो वो ड्रॉप किया प्लान और अभी यहाँ पे घूम लिए। इसके बाद आगे जाने वाले हैं मरीन ड्राइव की तरफ। जो दो दोस्त मिले थे हमें ट्रेन में, उनके पास जाने वाले हैं। उनका फ़ोन आया था और टाइम भी हो गया है निकलने का, तो ये एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ यही है। और अगर आपको शेर वोर देखना हो तो आप बारिश में तो ना ही आएँ, बिकॉज ये कि बारिश में शेर बाहर आने वाले हैं नहीं, ऐसा एक अंकल ने बोला कि नहीं दिखते हैं, कितने लोग आते हैं नहीं दिखता है। बाय द वे, लक बाय चांस आपको दिख सकता है, तो इतने दूर से आप आओगे अगर नहीं देख पाओगे तो आपको भी दुख होगा, तो बारिश में मत आओ। और अगर आप बारिश में आना चाहते हो तो रेनकोट लेके आना या छाता लेके आना अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि कहाँ छुपोगे, हर जगह पेड़ सब गीला ही है, बारिश का मौसम रहेगा। तो बस अभी जो ये मेरे पीछे आपको पटरी दिख रही है, ये स्टार्टिंग से शुरू होती है, जो मतलब जहाँ से आप एंटर होगे ना वहाँ से ही शुरू होती है, और ये घुमा फिरा के आपको मेन गेट पे वापस ले जाएगी जहाँ से आपने शुरुआत किया था। और रोड से अगर आप जाओगे तो रोड का तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था तो मैंने शेर देखा था, और अभी तो उस टाइम तो वो शेर भी बूढ़ा था, अभी तो पता नहीं वो होगा कि दूसरा लाए होंगे। पर यहाँ से अभी हम रोड से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको निकलना है चर्च गेट के लिए, तो ये पटरी एक अंकल ने बोला कि यहाँ से अगर आप जाओगे तो सीधा वहाँ निकलोगे मेन गेट पे, तो यही पकड़ के अब हम सीधा सीधा निकल रहे हैं मेन गेट की तरफ। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया, आप ग्रुप में आओ, फुल मस्ती कर सकते हो, लंच वंच लेके आओ, इधर घूमो फिरो खाओ मजा मस्ती। और अगर आप कपल हो तो कुछ बोल ही नहीं सकते आपको, आप खुद समझदार हो। बाकी भाई देख सकते हो आप लोग, पूरा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। हम दोनों आए हैं, मेरा तो सिंगल हूँ, ये भी है, मैं भी सिंगल ही साले। तो हमारी जिंदगी तो है ही खराब, पर अगर आप लोग हो तो आप आ जाओ। ये देख पूरा बाहर आ गया, इधर से जाएगा वापस अंदर, यहाँ से जाएगा बाहर, पूरा बाहर आ गया। हम लोग आया हूँ मैं, इधर बस वाले लेके आते थे इधर से, आगे ही तो लायन है। ओए ओए, लायन देखने का है, देखने है तो बोल, उधर सामने ही है। अगर आप कैब या बस बुक करते हैं ना तो आपको पूरा घुमाएगा, लेकिन अब हम लोग को कहीं और जाना है, तो मैं आपको हिरन दिखा चुका हूँ, और ये देखो लायन के बारे में लिखा है, तो इधर पे है क्या है सब लिखा हुआ है अंदर। और यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर जितना घूमे हैं उतना फिर घूमना पड़ेगा, नसीब होगी तो दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं दिखेगा कुछ बोल नहीं सकते, फिक्स नहीं है। तो कभी अच्छे से फुर्सत में टाइम निकाल के आएंगे, तो अभी अभी तो पूरा एक्सप्लोर करने आए हैं, तो कहीं और भी चलना है, तो फिर अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई 80 रुपये वसूल करने के लिए नकली शेर ही देख लो, उधर भी 2-4 है, इधर एक भालू बैठा हुआ है, उधर देखो 2 हिरन है, और ये एक छोटा सा मंकी। देखो हम अब बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है ना, मैं बहुत परेशान हो गया, मुझको लुभाती है जवानिया, मस्ती लुटाती जिंदगानिया।